कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, काबिल एहतराम मुंतखब MNA जनाब इकबाल शाह साहब, लोधरा के MNA जनाब अब्दुर्रहमान कांजू स्टेट मिनिस्टर, जिला लोधरा के हमारे दीगर MPAs और मुस्लिम लीगी साथी मरियम नवाज बेटी, हमजा शहबाज शरीफ और लोधरा के मेरे अजीम बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साकू आज बहुत खुशी थी गई है, साकू आज बहुत टॉडी मोहब्बत देखते डाडा मजा थी गया और धन मुबारकबाद थी गई। इकबाल शाह को आपने जिस तरह अपनी दुआओं से वोटों से नोटों से मेहनत से शबाना रोज मेहनत से इत्तफाक से मोहब्बतों से माओं ने बहनों ने बुजुर्गों ने नौजवानों ने जिस तरह दिन रात काम करके इनको मुंतखब करवाया, आपने मियां नवाज शरीफ को और मुझे खरीद लिया, आपने खरीद लिया। और आज हम यहां पर, भाई जरा बैठे, आज यहां पर हम सब आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने आए हैं। लोधरा वालों, आपने जो पार्टी के लिए काम करके ये तारीखी आपने जीत जो अल्लाह के फजल से हासिल की है, इसका डंका पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। और किस तरह आपने ATM मशीन को उखाड़ के आपने दराए सतलुज में गर्क कर दिया, किस तरीके से ये सैयद इकबाल शाह साहब जिनके बेटे भी हमारे पंजाब असेंबली के MPA हैं, एक वो गरूर वो तकब्बर, वो कहते थे कि हम इलेक्शन तो जीते हुए हैं, फैसला ये करना है कि 50,000 वोटों से जीतना है या 60,000 वोटों से जीतना है। उस खुदाए बुजुर्गो बर्तर को लोधरा वालों ये तकब्बर पसंद नहीं आया, इकबाल शाह की सजदा रेजी पसंद आई। बिल्कुल। और शायर ने कहा इस तकब्बर और रौनत के ऊपर, सुनो मेरी बात गौर से, कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये ATM मशीन, ये तकब्बर और ये कर्जा खोर। मैंने कई साल से मैं कह रहा था हर जगह पे कि करोड़ों अरबों रुपए के
कर्जे माफ करवाने वाले और फिर कोठियां भी पास, गाड़ियां भी पास, झंडे भी उनके पास, किसी फोरम पर किसी ने नोटिस ना लिया। लोधरा के अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, इस इलेक्शन में आपने इस कर्जे गरीब कौम के, यतीमों और बेवाओं के कर्जे खा जाने वाले के साथ अवाम की अदालत ने इंसाफ कर दिया। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, और वो झूठों का आईजी, वो इमरान खान ने आजी झूठों का आईजी यहां पर आके उसने जलसे में बयान दिया कि लोधरा में चोरों और डाकुओं की शिकस्त होगी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि चोरों और डाकुओं की शिकस्त हो गई। बिल्कुल मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अभी कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ आपसे खिताब करें, मैं दो चार मिनट और लूंगा और आपके इकबाल शाह साहब के और अहमद खान बलोच के, सदीक बलोच के और तमाम दोस्तों के, भुट्टा साहब के और हमारे जो इनके वालिद वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ एमपीए थे, हमारे एमपीए कहाँ बैठे हैं, सजाद खान बैठे हैं हमारे, और फिर पीर रफीउद्दीन शाह बैठे हैं और दूसरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज लोधरा वालों, आपने ये फैसला किया है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए अमेरिका के 5 अरब डॉलर को रद्द कर दिया, उस नवाज शरीफ को आपने आज वोट दिया है। और आपको याद होगा कि बिजली आज से 5 साल 4 साल पहले बिजली नहीं थी, मैं ठीक कह रहा हूं, और आज 4 साढ़े 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज लोड शेडिंग का तकरीबन खात्मा हो गया, मैं ठीक कह रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। जनाब जरदारी साहब, आपने अपने जमाने में बिजली के मंसूबे तो ना लगाए, लेकिन पाकिस्तान की दौलत आप लूट कर ले गए। और ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने केपीके में 74 मेगावाट बिजली पैदा की। खान साहब, वो बिजली कहाँ है, चांद पर है या मरीख पर है, कहाँ है वो बिजली? मरीख पर तो बंदा रहता ही नहीं, और चांद सूरज की वजह से चमकता और खूबसूरत रहता है, बिजली तो यहां चाहिए थी। आप झूठों के आईजी है, आपने 1 किलोवाट बिजली पैदा नहीं की आपने। और मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि पिछले 3 सालों में किसान भाइयों को अगर सस्ती खाद मिल रही थी तो वो फैसला मियां नवाज शरीफ का था, और वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने मिलकर खाद को, उसकी कीमत को आधा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल, उसके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी वो आपको दी जा रही है। आज छोटे किसान को तारीख में पहली मर्तबा बिला सूद कर्जे मुहैया किए रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के लाखों बेटों और बेटियों को, जो इंतहाई गरीब घरानों से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास
एक वक्त की रोटी नहीं, और उनके किसी का वालिद इस दुनिया से चला गया, किसी की वालदा साया छोड़ के चली गई, वो यतीम बच्चे और बेटियां आज उनको पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड से अरबों रुपए के वजीफे दिए जा रहे हैं और वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, बताओ मुझे। आज आज अल्हम्दुलिल्लाह लोधरा शहर के अंदर, जिला के अंदर बेशुमार तरक्याती काम हो रहे हैं जिसका मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। अरबों रुपए, मेरी गाल सुनो, मेरे मेरे बुजुर्गो, मेरी गाल सुनो, तो पक्या सड़क थे तो ठहर जाओ, शाबाश ठहर जाओ, तो पक्या सड़क मिली थी कि नहीं थी गई पक्या सड़क देहातों में। सबसे पहले 1985 में मियां नवाज शरीफ ने देहातों में फार्म टू मार्केट रोड्स बनाई, और उसके बाद आज दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में पूरे पंजाब में इस वक्त पिछले 4 सालों में 85 अरब रुपए की देही सड़कें बनाई गई हैं जो कि मोटरवे लगती हैं, मोटरवे आपके लिए। और फिर लोधरा से खानेवाल से लेके लोधरा का जो दो रवैया सड़क 24 अरब रुपए की सड़क का ये मंसूबा तैयार थी गया। 23 मार्च को असा उसे जुलसा चलसा उते 23 मार्च को मुकम्मल हो जाएगी। ये काम कौन सी हुकूमत ने किए, किस हुकूमत ने किए? वो हेलीकॉप्टर पे जो आते थे हेलीकॉप्टर पे, और लोधरा वालों आप बड़े गयूर लोग हैं, आपने 5-5 हजार रुपए के रिश्वत को अपने पाए हकारत से आपने ठुकराया, और इस वली इंसान को आपने वोट देकर आपने अल्लाह को भी राजी किया। मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि आपने झूठे खान साहब, जो झूठों के आईजी हैं आईजी, उनसे आपने ये इलेक्शन जीत कर उनसे खजाने की मशीन आपने छीन ली है, और ये खजाना अब आपके तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगा। यहां पर मुझे कई मुतालबात पेश किए गए हैं, मिसाल के तौर पर पटन वाला पे अंडरपास का मैं बनाने का ऐलान हूं, ये सदीक बलोच ने मुझे कहा, और इसी तरह दुनियापुर में बाईपास का भी मैं ऐलान करता हूं, और शाहब अबू ताहिर ब्रिज उसके भी मैं ऐलान करता हूं। लेकिन मेरी बात सुन लो, आपने चाहे दुनियापुर वाले हों, चाहे लोधरा शहर के लोग हों, चाहे पूरे जिले के लोग हों, आपने मुस्लिम लीग नून की क्यादत को आपने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खरीद लिया है। मैं पहले ही खादम था आपका, आज मैं मुकम्मल खादम बन गया हूं बिल्कुल। और तो आपको जो हुक्म थी सी मैं हाजिर थी, सही मैं हाजिर थी गया, तुसा जो हुक्म देसो मैं करे सा इंशाल्लाह। मैंने अब्दुर्रहमान कांजू को कहा है कि वो अगले हफ्ते सारे साथियों को लेकर लाहौर आ जाएं, जो आपका हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह अपना कोट भी बेच के आपको मैं खुश करूंगा। पाकिस्तान 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 कायदे आजम नवाज शरीफ।